Hey guys, welcome back to the channel. It's been so long, I know, क्योंकि हम ये नया स्पेस जो है इसको सेटअप कर रहे थे. अभी भी काफी चीजें बाकी हैं, बट इनफ हो चुका है कि हम वीडियोस बना सके यहाँ पे. राइट, सो बेसिकली बैंक निफ्टी ने आज सुबह से तो आतंक मचाया हुआ है. बताता हूँ आपको क्या किया, क्या नहीं किया, कहाँ पे एंट्रीज ली थी हमने, और अभी हमने जस्ट एक और री एंट्री की हुई है. बैंक निफ्टी ने जस्ट नाउ ब्रेकआउट कर दिया है हमारे फेवर में. सारी चीजें डिस्कस करते हैं इन दिस वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द व्लॉग. बैंक निफ्टी ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, पहले 15 मिनट अगर आप मार्केट के देखोगे तो 350 पॉइंट का मार्केट ने मोमेंटम किया है सिंगल साइड इन फर्स्ट 15 मिनट्स इटसेल्फ. राइट, एंड बिल्कुल भी नहीं रुका है. कहीं पे भी आपको एंट्री मिल जाए ऐसा कुछ बना नहीं था. यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुका था, इनसाइड बार बना था, बट आई वाज वेटिंग क्योंकि मैंने एंट्री ली नहीं, क्योंकि जस्ट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी था और एक रिट्रेसमेंट तो मार्केट का करना बनता है जो कि पेंडिंग थी. उसके बाद ट्रेडर्स क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करना शुरू कर दिया था जो कि एक लो है पिछले कुछ दिनों का. इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट, राइट, सॉरी हाई है पिछले कुछ दिनों का, पिछले फ्राइडे का यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्ट किया था. तो यहाँ पे फिर से हम रेजिस्ट करने लग गए हैं. एंड यहाँ से इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट, मार्केट थोड़ा सा असेंडिंग ट्रायंगल में जाता हुआ दिखाई दे रहा था. ये देख के हमने एक पुट ऑप्शन यहाँ पे शॉर्ट कर दिया था बिफोर इट ब्रेक्स आउट. नॉट रिकमेंडेड टू यू गाइस एट ऑल, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ये, आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है. बेस्ड ऑन सर्टन थिंग्स मैंने यहाँ पे पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया था. थोड़ा सा मार्केट हमारे फेवर में भी आया लेकिन सीधे घुस गया, हमारा स्टॉप लॉस खा गया. लुक एट दैट कैंडल, व्हाट अ मॉन्स्टर स्कैंडल दैट इज. लेकिन मेरे को एक और चीज ध्यान में आई, आई कुड सी वन थिंग हैपनिंग. यार ऐसी कैंडल्स ना बनती ही ट्रैप करने के लिए हैं. जैसे मुझ जैसे जो डेढ़ होशियार होगा कोई, वो सीधे जाके क्या कर देगा, पहले ही ब्रेकआउट से पहले ही एंट्री लेने की कोशिश करता होगा. उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट एंटर करता है, मतलब ऐसे लोस को तोड़ देता है. पहले हमें ये ध्यान में नहीं आया लेकिन बाद में ये चीज हो गई, फिर ध्यान में आया. देन आई कुड सी अनदर थिंग हैपनिंग कि यहां से हो सकता है मार्केट सपोर्ट लेकर वापस ऊपर भाग जाए, ये बस एक स्टॉप लॉस खाने आया होगा. एंड लुकिंग एट दैट एग्जैक्ट थिंग हमने क्या किया, निफ्टी ने वापस यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ हमको दिखाई दिया. एक यहाँ पर अगर आप देखो तो इनसाइड बार पैटर्न बना है. ये कैंडल देखो इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दे पाया है, ऊपर जाके वापस उसके अंदर ही उसने क्लोजिंग दे दी थी. तो वी कुड सी कि थोड़ा यू नो क्या बोलते हैं बुल्स वगैरह मार्केट में भी एक्टिव है काफी, सॉरी फॉर दैट. एंड उसके बाद मार्केट ने एक इनसाइड बार बनाया, ये वाला इनसाइड बार, उसके अंदर फिर एक मार्केट ने इनसाइड बार बनाया, उसको ऊपर की तरफ तोड़ दिया. दैट इज एग्जैक्टली वेयर हमने हमारी एंट्री ले ली थी. दिस इज व्हाट वी हैव एंटर्ड गाइस, शॉर्टेड 43,500 पी ऑल द वे फ्रॉम 350-394 का एसएल लगा के, क्योंकि मेरी एंट्री थी 354 पे थी. तो एक रेंज दे दी थी मैंने जहां पे भी आपको प्राइस मिले यू कैन एंटर. राइट, एंड 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दिया था हमने सीधे जाके. एंड जस्ट हैव अ लुक एट दैट गाइस, क्या लो लगाया है इसने, 260 का लो लगाया है इन लिटिल टू नो टाइम. मैं मेरा ट्रेड सीधे जाके क्या करने वाला हूँ, मॉडिफाई करने वाला हूँ कॉस्ट पे. जस्ट हैव अ लुक एट दैट. मॉर्निंग में -16,000 रुपए चल रहा था इसमें प्रॉफिट, अभी 16,000 रुपए पॉजिटिव आ चुका है. 1:2 तो ऑलरेडी चल ही रहा है. व्हाट अ डे गाइस, व्हाट अ डे लिटरली. तो ये जो चीज हम बोलते हैं ना कि भाई साहब अपने जो दिन भर का रिस्क एपेटाइट है उसको सिंगल ट्रेड में उड़ाना नहीं है, उसको दो ट्रेड से या तीन ट्रेड से डिवाइड करके रखो बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ सिस्टम्स यू आर ट्रेडिंग. राइट, मेरे इसमें दो से डिवाइड करके रखता हूँ, मुझे मैक्सिमम दो ट्रेड लेने पड़ते हैं दिन के, मतलब मेरा सिस्टम अलाउ करता है. तो उस हिसाब से मैंने जो दिन भर का रिस्क एपेटाइट है 3% ऑफ एंटायर कैपिटल, उसको मैंने दो से डिवाइड कर दिया है. 15-16,000 रुपए मैं पर ट्रेड रिस्क लेता हूं और उसके अगेंस्ट में हम कोशिश करते हैं कि 7-8-9% बना पाए. अरे 1:2 ऑलरेडी मिल चुका है. तो हमारा जो ट्रेड था, जो स्टॉप लॉस था 394 पे प्लेस, इसको मैं एडिट करने वाला हूं एंड आई एम गोइंग टू प्लेस इट एट सिंपली कॉस्ट व्हिच इज 354. राइट, 352 पे कर लेते हैं ताकि एटलीस्ट हमारा ब्रोकरेज तो निकला है इस पर्टिकुलर ट्रेड से, है ना. 352 से हमने इसको कर दिया है मॉडिफाई. इट शुड बी, प्राइस शुड बी ग्रेटर देन ट्रिगर प्राइस. तो इसको 353 कर देते हैं सर फिर से हम. आई ऑलवेज फेस दिस प्रॉब्लम विद काइट. ज़ीरोधा में क्या है कि आप सेम प्राइस डाल दो, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, कोई इश्यू ही नहीं है. राइट ट्रेडर्स, सो हमने हमारा ट्रेड्स को वो भी कर दिया है. अब सिंपल है ट्रेडर्स, या तो मार्केट यहाँ पर वापस आ जाए, हमारा सीटीसी एसएल खा जाए विच इज बिलो दिस लो, ये जो लो लगा है उसके नीचे. एक बार मार्केट यहाँ आएगा सपोर्ट लेना एक्सपेक्टेड है, लेकिन कुछ भी एक्सपेक्टेड है आज तो मार्केट में ऑलरेडी इतना स्ट्रेच हो चुका है, इसीलिए हम थोड़ा सा सेफ साइड लेके चलना चाहते हैं. मीनवाइल वी वर टॉकिंग हमारा ट्रेड, जस्ट हैव अ लुक एट दैट. दैट इज द काइंड ऑफ वोलेटिलिटी यू नीड टू बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मार्केट. और ट्रेडर्स, तो अभी सिंपल है 352 का स्टॉप लॉस या फिर टारगेट देखा जाएगा. Have a look at that guys. This is what pain means in trading. This is literal real pain. अभी 15,000 पॉजिटिव चल रहा था, अभी हमारा डे क्लोज हो चुका है. At what price? At what PNL? -16,000 rupees for the entire day guys. Right? The moment I put my stop loss 300 रुपये वो चल ही रहा था और स्टॉप लॉस खा के सीधे ऊपर, यू नो,
ले चुका है, वो सपोर्ट ले चुका है वापस वहाँ से। चलो ठीक है, इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है, क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। एंड इट्स बेटर क्योंकि कल मान लो कोई ओवरनाइट यहाँ पे पुट ऑप्शन को शॉर्ट करके ले गिर गया होगा, उसका जो हाल आज हुआ है उससे तो हमारा बेटर ही है। छोटा सा स्टॉप लॉस हमने दे दिया है, वी आर प्रीटी मच डन फॉर द डे, राइट। मॉर्निंग में जो ऐसे लाया था वही इनफ है। एंड इतनी ज़्यादा अगर वोलेटिलिटी करता है मार्केट तो फिर मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, क्योंकि क्या पता मार्केट इसके बाद और नीचे गिर जाए और हमारा सीटीसी एसएल आ चुका है, दैट इज़ अ मच बेटर थिंग, राइट। एक बार ट्रेड ने 100 रुपये दे दिया आपको प्रॉफिट, सीटीसी एसएल डालना इज वन ऑफ आवर रूल्स, राइट। सो इट इज़ ऑल राइट ट्रेडर्स। एज ऑफ टिल नाउ अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है ऑलमोस्ट 2:19, 15 मिनट में स्टेट से हम बाहर हो चुके हैं। अब इसके बाद दिन भर के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, हमारा रिस्क अपडेट हो चुका है 2 ट्रेड एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो वी आर प्रीटी मच डन फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइज, और अगर मैं कुछ और करता हूँ तो मैं आपको अपलोड अपडेट कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।